टू माई चैनल एक्सीलेंट इंग्लिश जून। आज हम पढ़ने वाले हैं शॉर्ट आंसर ऑफ द लेसन एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे रिटन बाई आर के नारायणन। तो आर के नारायण द्वारा जो लिखित लेसन है एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे, इसके आज हम शॉर्ट आंसर्स कवर करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर्स में से जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द एस्ट्रोलॉजर अर्न हिज लिविंग, Why was he forced to hide his identity? एस्ट्रोलॉजर ने अपनी जीविका कैसे कमाई और वह अपनी आइडेंटिटी छिपाने के लिए, पहचान छिपाने के लिए कैसे मजबूर हो गया? आंसर है हमारा, द एस्ट्रोलॉजर अर्नड हिज लिविंग अंडर अ टैमरिंड ट्री। वह पेड़ के नीचे, इमली के पेड़ के नीचे अपनी जीविका कमाता था। ही बिफूल्ड हिज कस्टमर्स, वह अपने कस्टमर्स को मूर्ख बनाता था। एज ही हैड नो नॉलेज अबाउट द स्टार्स, क्योंकि उसमें तारों का कोई ज्ञान नहीं था। ही वॉज फोर्स टू हाइड हिज आइडेंटिटी, वह अपनी पहचान छिपाने के लिए मजबूर हो गया। बिकॉज ही वॉज अ वॉन्टेड मैन, क्योंकि वह एक तलाश किया जाने वाला व्यक्ति था। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, वाई हैड द एस्ट्रोलॉजर लेफ्ट हिज विलेज, एस्ट्रोलॉजर ने अपना गाँव क्यों छोड़ा, उसे अपना गाँव क्यों छोड़ना पड़ा? आंसर है हमारा, द एस्ट्रोलॉजर हैड लेफ्ट हिज विलेज बिकॉज वन डे ही गॉट ड्रंक एंड स्टैब्ड हिज कंपेनियन गुरु नायक एंड पुश्ड हिम इन टू अ वेल। एस्ट्रोलॉजर को एक दिन गांव इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि उसने एक दिन शराब पी और अपने साथ ही गुरु नायक को छुरा भोंक दिया और उसे मरने के लिए कुएं में धकेल दिया। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन कम्प्लीट होता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट मेड द एस्ट्रोलॉजर फील अनकंफर्टेबल, किस बात ने एस्ट्रोलॉजर को बेचैन कर दिया या किस बात से एस्ट्रोलॉजर ने बेचैनी महसूस की? आंसर है हमारा, द एस्ट्रोलॉजर सडनली बिकेम नर्वस आफ्टर सीइंग द कस्टमर बिकॉज ही रिकॉग्नाइज्ड दैट द कस्टमर वॉज गुरु नायक whom he had stabbed and pushed into the well. Astrologer इसलिए घबरा गया अचानक क्योंकि उसने उसे पहचान लिया था कि जो कस्टमर था वह गुरु नायक था और जिसे उसने चाकू भोंका था और कुएं में धकेल दिया था। थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, what advice did the astrologer give to the stranger? एस्ट्रोलॉजर ने, ज्योतिषी ने अजनबी को क्या सलाह दी? तो आंसर है हमारा, द एस्ट्रोलॉजर एडवाइज द स्ट्रेंजर नॉट टू ट्रेवल साउथवार्ड। एस्ट्रोलॉजर ने स्ट्रेंजर से दक्षिण की ओर यात्रा करने से मना किया। बिकॉज ही सॉ अ ग्रेट डेंजर इन हिज लाइफ अगेन, क्योंकि उसने उसके जीवन में फिर से एक नया खतरा देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ, हाउ कुड द एस्ट्रोलॉजर गेट रिड ऑफ द स्ट्रेंजर, एस्ट्रोलॉजर ने ज्योतिषी, जो अजनबी से कैसे छुटकारा पाया? आंसर है हमारा, द एस्ट्रोलॉजर इन द स्टोरी गॉट फ्रीडम फ्रॉम फियर ऑफ रिवेंज। कहानी के जो ज्योतिषी ने रिवेंज, बदला के डर से मुक्ति पाली एंड पनिशमेंट, और दंड के भय से मुक्ति पाली। बिकॉज ही हैड नो ईविल इंटेंशन अगेंस्ट गुरु नायक, क्योंकि उसका गुरु नायक के खिलाफ कोई ईविल इंटेंशन नहीं था, बुरा इरादा नहीं था। ही डिड नॉट वॉन्ट टू टेक एनी रिवेंज और पनिश गुरु नायक, वह गुरु नायक से किसी भी प्रकार का बदला नहीं लेना चाहता था, ना ही उसे दंड देना चाहता था। ही जस्ट वॉन्टेड टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम गुरु नायक, वह केवल गुरु नायक से अपने आप को बचाना चाहता था। हु केम टू हिम एज अ कस्टमर, जो उसके पास कस्टमर के रूप में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैपेंड वन इवनिंग व्हेन द एस्ट्रोलॉजर वाज प्रिपेयरिंग टू गो होम, एक शाम को जब एस्ट्रोलॉजर घर जाने की तैयारी कर रहा था तो क्या हुआ? आंसर है हमारा, वन इवनिंग व्हेन द एस्ट्रोलॉजर वाज प्रिपेयरिंग टू गो होम, एक शाम को जब एस्ट्रोलॉजर घर जाने के लिए तैयार हो रहा था तो ही केम अक्रॉस गुरु नायक,
तो वह अचानक गुरु नायक से मिल बैठा, हु हैड कम टू हिम एज अ कस्टमर, जो उसके पास एक कस्टमर के रूप में आया था, एक ग्राहक के रूप में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल हिज वाइफ आफ्टर डिनर, डिनर के बाद एस्ट्रोलॉजर ने अपनी पत्नी से को क्या बताया। आंसर है हमारा, आफ्टर टेकिंग डिनर द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड हिज वाइफ द रीजन ऑफ हिज बीइंग लेट, डिनर करने के बाद एस्ट्रोलॉजर ने अपनी पत्नी को लेट आने का कारण बताया। ही रिवील्ड दैट द बर्डन ऑफ अ मर्डर हैड गॉन फ्रॉम हिज हेड, उसने यह स्पष्ट किया कि उसके सिर से जो बर्डन था वो समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड द एस्ट्रोलॉजर डील विद हिज कस्टमर्स, एस्ट्रोलॉजर अपने कस्टमर्स के साथ कैसे डील करता था, क्या बताता था। आंसर है हमारा, द एस्ट्रोलॉजर डील्ड विद अफेक्शन, बड़े स्नेह से वो व्यवहार करता था, एंड फ्लैटर्ड देम टू नो देयर प्रॉब्लम्स, और उनकी समस्याएं जानने की चापलूसी करता था। फर्स्टली, पहले तो ही गेव देम अ चांस टू टॉक फॉर 15 मिनट्स टू अंडरस्टैंड हिज कस्टमर्स डीपली, सबसे पहले वो कस्टमर्स को 15 मिनट बोलने का चांस देता था जिससे कि वो उसे डीपली समझ सके। तो ये हमारा क्वेश्चन आठवां कंप्लीट हो गया। नौवां क्वेश्चन जो है हमारा, व्हाट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म अबाउट द एस्ट्रोलॉजर्स प्रोफेशनल नॉलेज, एस्ट्रोलॉजर के प्रोफेशनल नॉलेज से क्या प्रभाव पड़ता है कि हम पर। आंसर है हमारा, वी फील दैट, हम महसूस करते हैं कि द एस्ट्रोलॉजर्स प्रोफेशनल नॉलेज वॉज निल, और जो एस्ट्रोलॉजर का प्रोफेशनल नॉलेज था, व्यावसायिक ज्ञान था, वो बिल्कुल निल था। बट ही वॉज रिसोर्सफुल, लेकिन उसके पास पूरे साधन थे, क्विक विटेड, तीव्र बुद्धि वाला था, एंड चैरिस्मेटिक, और तीव्र अनुमान लगाने वाला था। तो इस तरह से हमारे इस लेसन के शॉर्ट आंसर, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर्स हैं, कंप्लीट हुए। इससे 100% क्वेश्चन आ सकता है आपका, तो इस क्वेश्चन आंसर्स को आप राइट करें, लर्न करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।